एसएससी की तरफ से सिलेक्शन फेस्टिवल का ऑनलाइन फॉर्म शुरू कर दिया गया है। चलिए जानते हैं किस प्रकार से इस फॉर्म को हम लोग ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं, साथ में जानेंगे इस फॉर्म को फिलअप करने में जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। साथ में जो है मैं आपको इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं एसएससी सिलेक्शन फेस 12 का ऑनलाइन फॉर्म को लेकर के। दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दोस्तों आपको रेड बटन दिख रहा होगा उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। दोस्तों एसएससी सिलेक्शन फेस 12 का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको चले आना है ssc.gov.in पे। ssc का जो न्यू वेबसाइट जारी किया गया है इसी वेबसाइट पे आपको चले आना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहां से कि आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ जाइएगा। यहां आ जाने के बाद जो है यहां पे आपको दिख रहा होगा लॉगिन एंड रजिस्टर्ड, आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा, क्लिक करने के बाद जो है यहां पे अगर आपका इनका वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो बोला गया था एसएससी की तरफ से करने के लिए, अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको जो है यूजर आईडी और पासवर्ड मिल गया होगा जिससे कि आप लोग यहाँ पे लॉग इन कर लीजिए। जिनको भी यूजर आईडी पासवर्ड जिनके पास नहीं है तो वो जो है रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करके वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लीजिए एसएससी का, तभी जो है आप एसएससी का कोई फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। मैंने एक वीडियो बना करके जानकारी दिया था कि एसएससी का वन टाइम रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है, आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए। मैंने उस वीडियो में पूरा जानकारी बताया है, साथ में मैंने स्टेप बाय स्टेप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए बताया है। तो हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी आईडी बना हुआ है तो हम लोग यहाँ पे जो है डायरेक्टली लॉगिन कर लेते हैं। यूजर आईडी पासवर्ड और कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जो है हमारा डैशबोर्ड ओपन होकर के आ जाएगा। डैशबोर्ड ओपन हो जाने के बाद जो है यहाँ पे आपको दिखेगा कि लाइव जो भी अभी फॉर्म चल रहे हैं यहाँ पे आपको शो होगा। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन, आपको यहाँ पे सिलेक्शन पोस्ट फेस 12 2024 करके दिखेगा और यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि ये फॉर्म कब स्टार्ट किया गया है, कब तक इसका लास्ट डेट है, साथ ही साथ पेमेंट करने का क्या लास्ट डेट है और इसमें जो है आप करेक्शन कब से कब तक कर सकते हैं वो यहाँ पे जानकारी दिया गया है। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पे जो है आपको फिल फॉर्म करके एक ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पे ऑलरेडी आपका सारा पर्सनल डिटेल यहाँ पे एड डाला हुआ रहेगा, तो आपको सिंपली आकर के नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पे जो है आपको सक्सेस का मैसेज आ जाएगा, उसके बाद ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ आपसे पूछा जा रहा है क्या आप एक सर्विस मैन है, अगर हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जो है ये भी डिटेल आपका सेव हो जाएगा, ओके पे क्लिक कर दीजिए। ओके पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आप जो है किस पोस्ट पे कहाँ भरना चाहते हैं, यानी कि आप जो है रीजन क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं, कौन से सेंट्रल रीजन सेलेक्ट करना चाहते हैं, कर्नाटका रीजन सेलेक्ट करना चाहते हैं, मध्य प्रदेश रीजन सेलेक्ट करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे रीजन अपना सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नीचे में आपको पोस्ट कोड सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा तो वो पोस्ट कोड आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपको अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो है यहाँ पे आपको पोस्ट सेलेक्ट कर लेना है, पोस्ट कोड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे आपको अपना सेंटर सेलेक्ट कर लेना है कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ आप रखना चाहते हैं। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है ये भी डाटा आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे एक आपको लाइव फोटो देना होगा और साथ में जो है यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देने के बाद जो यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको फॉर्म का प्रीव्यू दिखाएगा तो यहाँ पे आपको सारा प्रीव्यू चेक कर लेना है कि आपने जो डिटेल फिलअप किया वो सही है या फिर नहीं है। पूरा प्रीव्यू चेक कर लेने के बाद जो है यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपको टिक मार्क लगा देना है और यहाँ पे कैप्चर जो आया है वो कैप्चर को फिलअप कर देना है। कैप्चर डाल देने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपको मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो है आपको 100 रुपए का पेमेंट कर देना है।
पेमेंट करने के लिए जो है यहाँ पे आपको पेमेंट पेज पे लेके आ जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको जिस भी माध्यम से पेमेंट करना है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट कर देने के बाद जो है आपको कुछ सेकंड वेट करना है, उसके बाद जो है ये ऑटोमेटिक आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा और आपका पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। पेमेंट पेज से ऑफिशियल पेज पे आ जाने के बाद जो है यहाँ पे आपको कुछ सेकंड प्रोसेस लेगा, उसके बाद जो है यहाँ पे आपको प्रिंट का एक ऑप्शन देगा, तो यहाँ पे आपको प्रिंट पे क्लिक करके अपना फी का रिसीप्ट डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जो हम लोग कैंडिडेट डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे माई एप्लीकेशन में आपको यहाँ पे प्रिंट का एक ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ पे जो आपने फॉर्म फिलअप किया इसका प्रिंट लेकर के आपको यहाँ पे रख लेना है। तो कुछ इसी प्रकार से हम लोग SSC सिलेक्शन पोस्ट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको पूरा जानकारी बता दिया कि किस प्रकार से जो है आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है। दोस्तों अगर आप भी फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो कुछ इसी प्रकार से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मैंने दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आपको मैंने जानकारी बता दिया। और दोस्तों अगर आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको जो है आई बटन पर लिंक मिलेगा, आप वहां से जाकर के चेक कर लीजिए। और उस वीडियो में जो है मैंने आपको पूरा जानकारी बताया था कि आप किस प्रकार से SSC में वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।